पहन के भी ना इतनी ठंड लग रही है। सो गए यहाँ पे, एक बाइट तो बनता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू ट्रैवल व्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं एक न्यू ट्रिप के लिए। वीकेंड ट्रिप है, यह सैटरडे है, मतलब फ्राइडे नाइट में निकले थे हम लोग। और अभी 7:30 हुए हैं। एक्चुअली हम लोगों को जाना था चकराता। चकराता हम लोग पहले भी जा चुके हैं। चकराता का व्लॉग भी मैंने शेयर किया था, ज्यादा तो नहीं बना था पर जितना भी बना था उसका व्लॉग भी मैंने शेयर किया था। बट चकराता में हमें जहाँ जाना था, लास्ट टाइम हम जो भी हमने होम स्टे लिया था बहुत अच्छा था, वैदिक होम स्टे, और वो है फुल। मैंने फ़ोन किया था बट उनको कंफर्म करना भूल गई, तो उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कुछ आ गई, तो इसलिए हम चकराता न जाके अब हम लोग जा रहे हैं कानाताल तो अभी चलते हैं वहाँ पे भी, देखते हैं कि कुछ मिलता है नहीं मिलता है। इतना ज्यादा रश है सैटरडे संडे की वजह से। और दूसरा समर वेकेशन, 12 बजे निकले थे और अब हम लोग नाइट में, हाँ 12 बजे निकले थे और अभी 7:30 हो गए। तो हम लोगों को फिर चकराता की तरफ से हम लोग गाड़ी घुमा के लाए हैं कानाताल के रूट पे, क्योंकि ये मसूरी के रूट पे पड़ता है और चकराता का रूट अलग है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ भी कुछ आज होटल मिलता है। अभी मैंने ऑनलाइन नहीं करा है क्योंकि हम लोग होम स्टे करना सोच रहे हैं। होम स्टे अगर करना है तो वहीं जाके करेंगे, अगर स्टे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मसूरी देखेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आज हम लोग अपना ठिकाना ढूंढ के रहेंगे। तो चलते हैं और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। लड्डू गोपाल जी को भी ले लो। अरे 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 अरे, क्या मम्मी? अभी मीरा को हो गई है वोमिट, तो हम लोगों को रुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए। मीरे अभी भी हो रही है वोमिट? हो रहा है? तू जागी, कपड़े चेंज करके। इसके साथ की शर्ट कहाँ गई तेरे? मीरा ने इसी के ऊपर वोमिट कर दिया। पूजा गोद में लेके बैठी थी, पूजा को भी कपड़े चेंज करने पड़े और मीरू के भी कपड़े चेंज। लड्डू गोपाल जी को पूजा इधर ले आ, धूप आ गई वहाँ पे। यहाँ बैठा लो लड्डू गोपाल जी को। तो ये पप्पी घर ले जाऊँ? घर चलोगे हमारे साथ? घर चलोगे? घर चलोगे? कितना क्यूटू क्यूटू है, क्यूटू क्यूटू। ये आ गई मीरा की मैगी और चाय। ये पिएगी, ये चश्मा लगा के चाय पिएगी। सी ना, चश्मा हटा के चाय पी ले। नहीं यार, इतने भी फैशन नहीं होने चाहते ना। बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हो रहे, चश्मे से मैं अच्छी लगती हूँ। जब इसकी लेके आ गाड़ी में, सर्कल बता रही मोटी आंखों के नीचे वो गालों के डार्क सर्कल वो जाए नहीं होती। जा गाड़ी में, तब बिस्किट लेगा। पूजा अपनी चाय लेके बैठी, चुड़ैल लग रही बिल्कुल। लगा ले, नीला रही भैया, पता ले ले ना। इनकी भी तो कमाई कमाई करवानी यार। हाँ बट बिस्किट वे वाले ही खाने नहीं, यहाँ तो वैसे हो गए। मेरा मैं भी खा लूँ मैगी। यार ये पैसा बैंक में इकट्ठा हो गया था। कितना पैसा? बहुत पैसा यार। इसका कोई मर्डर करके पापा यहाँ फेंक देगा, यहाँ पाड़ू में। कुट्टी है नोएडा में, दिल्ली में कहाँ जाओगी? तो उसका होटल था, हम लोग निकल गए। और अभी यहाँ से 40 किलोमीटर है कानाताल और 22 किलोमीटर है धनोल्टी। सारे खड़े में पता कितने तो अभी हम देखेंगे कि हम कानाताल जाएंगे या धनोल्टी जाएंगे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली कि हम लोग कानाताल जाएंगे क्योंकि धनोल्टी में भी भीड़ होगी, बहुत गाड़ियां जा रही है, बहुत ही ज्यादा रश है। तो अभी देखते हैं कि क्या कहाँ जाते हैं हम लोग। ये कट देखो आप, यहाँ के इतने ब्लाइंड, इतने शार्प कट है कि उस साइड से क्या आ रहा है दिखाई नहीं देगा। देख इसने अब हॉर्न दिया कि हम हर कट पे हॉर्न दे रहे हैं कि सामने से अगर गाड़ी थोड़ा सा भी हमारी लेन में आ रही हो तो सामने वाला बंदा अलर्ट हो जाए ना। यहाँ पे कोई हॉर्न दे रहा है और ना कोई तरीके से गाड़ी चला रहे है। ये वाले भी कट देखो कितना शार्प है, व्यू देखो, इतना खूबसूरत व्यू है। पापा देखो तो कैसे फोग फोग हो रहा, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो बना दे, ये वाले ने इंस्टाग्राम के इसे वीडियो बनवानी है अपनी। आगे ले हम धनोल्टी, आगे के वीडियो बनाएंगे। धनोल्टी 20 किलोमीटर है अभी भी। You're so, you know, just so you know.
हम लोग फिर से रुक गए हैं। इतने अच्छे अच्छे व्यू है यहाँ पे कि देख के ना रुकने का मन कर। क्या वहाँ चले नीचे एक बार चलते हैं ना थोड़ी देर। इतनी ठंडी हवा है, इतनी ठंडी हवा है। मौसम आपको पीछे दिख रहा होगा, मैं चप्पल स्लिप कर रही। वहाँ से व्यू देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इतनी ठंड और बिल्कुल धूप भी नहीं है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, हल्के हल्के बादल हो रहे हैं। ये देखो अब तब मज़ा आ गया, आके दिल खुश हो गया। और यहाँ अभी आगे आए हैं तो इतना भीड़ नहीं है, है ना, इतना रश नहीं है। चलते हैं और आगे रुकेंगे। यहाँ पे ये रिजोर्ट बने हुए हैं क्या, मतलब रुक सकते हैं यहाँ। धनोल्टी अभी यहाँ से 18 किलोमीटर है, तो यहाँ भी अगर कोई होम स्टे मिलता है तो रुक सकते हैं हम होम स्टे पे। कहाँ से आए थे, तो गेट ही बंद है यार। वो 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 चलो जी, हाँ जल्दी चले, नहीं जा रहा, चाल ही बिगड़ गई तेरी तो। हेलो, चल पूजा को तो ठंड लग रही है क्या, इतनी ठंड है यहाँ पे, इतनी ठंड है यहाँ पे। चलो भाई गाड़ी देख लो हमारी, नहीं गंदी हो रही नहीं गाड़ी। चलो भाई ड्राइवर साहब, देख धीरे चलने में ही सफर का आनंद है, आया समझ। भाई साहब ऐसी शक्ल हो गई यहाँ आके, अभी बताते। इतने होटल, इतने रिजोर्ट, इतने अपार्टमेंट्स हम लोगों ने देखे, हम लोगों को पसंद नहीं आया। फाइनली हम लोगों को ये रिजोर्ट पसंद आया, ये इसका व्यू है, बैक साइड से ऐसे है, बिल्कुल मस्त है। अभी हम लोग करा रहे हैं चेक इन फॉर्मेलिटीज, और सुबह से घूमते घूमते हम लोग थक गए हैं, ऐसे हो गए। कब चले थे हम लोग, 12 बजे की सुबह सुबह पहुंच जाएंगे, पहुंच के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी हम लोगों को समझ नहीं आया। अभी रिजोर्ट अच्छा लगा, तो वही जो बुकिंग फॉर्मेलिटीज है वो कर रहे हैं, फिर चेक इन करेंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, फिर देखेंगे कि आगे हम लोग क्या करते हैं। मीरू इधर आओ, ये पूजा कर रही है यहाँ पे चेक इन फॉर्मेलिटीज। गाड़ी का नंबर है UP 16। चलिए अभी मैं आपको पूरे रूम का व्यू दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत रूम है। तो ये है रूम, एक बेड यहाँ है विद व्यू, और ये चेयर एंड टेबल बैठने के लिए। पापा हटिए आप मीरू। और ये इसका बड़ा ही खूबसूरत सा वॉशरूम है, ये इसका शावर एरिया, कमोड, चिप्पू झाड़ना और गीजर वगैरह। और ये है इसका अटैच दूसरा रूम, इसमें भी सेम है, टीवी है। और ये है बड़ी सुंदर सी बालकनी, इसमें अभी टेबल नहीं डाली, वो कह रहे हैं अभी क्लीनिंग करिए तो टेबल और चेयर डालेंगे। और ये यहाँ से व्यू है, इतना खूबसूरत। अभी फोग टाइप हो रखा है, बहुत ठंडी हवा लग रही है, जैसे सर्दियों में है इस टाइप से है, है ना पापा सुंदर, है ना सुंदर। तो ये है बड़ा सा हम लोगों का रूम, और ये हूँ मैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि क्या ये ट्रिप पे क्या था। एक्चुअली हम लोगों को जाना था चक्राता, हम लोग लास्ट ईयर चक्राता गए थे, जहाँ पे हमने स्टे किया था होम स्टे था, वो बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, उसको ब्लॉग में मैंने शेयर किया था। पापा को वहाँ पे रुकना था, मैंने उनको फ़ोन भी किया था, बट मैंने उनको बोला कि हम लोग सैटरडे संडे आएंगे, मे बी कि मंडे ट्यूसडे आएंगे, उनको कंफर्म करना भूल गई। आज जब हम लोग देहरादून पहुँचे तो मैंने उनको फ़ोन किया कि हम लोग आ रहे हैं, वो बोला कि मैम आपने डे कन्फर्म नहीं किया था, तो वो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो आज और कल के लिए बुक हो गई, इस वजह से हमारा चक्राता का प्रोग्राम हो गया कैंसिल। फिर हम लोगों को ये था कि देहरादून से नियरेस्ट क्या है, कहाँ जा सकते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम कानाताल चलते हैं, मतलब ऑफ बीट लोकेशन है, ज़्यादा रश नहीं होगा, और था भी ऐसे ही कि रश नहीं था, हम लोग कानाताल गए। बट वहाँ पे
मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली, मुझे क्या फैमिली में किसी को भी अच्छा नहीं लगा। मतलब एक तो कंस्ट्रक्शन का काम चला था वहाँ रोड पे, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी थी। और सेकंड वहाँ पे जो जो प्रॉपर्टी अवेलेबल थी, क्योंकि हमने बुकिंग नहीं कराई थी, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी साफ़ सुथरी नहीं थी। और उसके बाद हम लोग दोबारा से कानाताल जाके, कानाताल धनोल्डी से अप्रोक्स 13-14 किलोमीटर आगे है, फिर हम दोबारा यहाँ पे आए धनोल्डी पे आगे। हमने 2-3 प्रॉपर्टी देखी, ये वाली प्रॉपर्टी हमें सबसे अच्छी लगी, बिल्कुल न्यू है, नीट एंड क्लीन है, और इसका जो इंटीरियर वगैरह है, अंदर जो बेडशीट वगैरह है, पिलो, ये सब बहुत साफ है, क्योंकि में हमारे साथ है तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हम लोग नहीं कर सकते कि जो गंदी हो। तो इस वजह से अब फाइनली हम लोगों का जो स्टे हुआ है वो हुआ है धनोल्डी में, और हम लोग हो गए रेडी। मैंने पहने व्हाइट टॉप डेनिम, और साथ में पहने मैंने व्हाइट शूज, और अभी जा रहे हैं हम यहाँ थोड़ा सा मार्केट, कुछ खा पी के आएंगे। अभी रूम में हमने चाय मंगाई थी, बट हम लोगों को उतनी अच्छी नहीं लगी। होटल का खाना, मतलब चाय भी मंगाई है, उतनी अच्छी नहीं लगी, तो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और खाना वाना कुछ खा के आते हैं। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं। नहीं 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 नहीं, मीरा यहीं रहेगी, मीरा यहीं, मारने से कुछ नहीं होगा, मारने से कुछ नहीं होगा, मीरा यहीं रहेगी। चलो मम्मी, मम्मी चलो चलो चलो, मीरा को छोड़ो सब लोग, मीरा को छोड़ दो सब लोग, चलो भाई हम भी आ रहे हैं, मीरा को छोड़ दो, मीरा के साथ कोई नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगी। भाई साहब इधर का व्यू दिखाती हूँ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखो आप इतनी ज्यादा ठंड है, देखा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना ज्यादा फोग टाइप का हो गया। फोन आ रहा है, पहले एक फोन सुन लेती हूँ, चलो। अरे पापा थोड़ी सी है बस यहाँ से, थोड़ा तो वो करो, खुली हवा में गाड़ी में बैठी रहोगे क्या, इतना इतना तो आप मानी वो करते, हाँ। अरे वो फूड की नहीं लगी थी, वो फूड की नहीं लगी थी, बड़ी सी वो फूड की नहीं लगी थी साइड में, बड़ी सी खाने पीने की फूड की, वहाँ जाएंगे भाई, मैं आपके जाने आऊंगी स्टेशन पर। कितनी यहाँ पे इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, मेरे पास तो कुछ ऑप्शन नहीं, मैं पहनूं याद ही नहीं रहा। भीमताल तो मैं अपनी डेनिम जैकेट लेके गई थी, यहाँ पे याद नहीं रहा मेरे। और ये मम्मी और मीरा के भुट्टा बुनवा के ले आई हूँ मैं, ये लो। मीरा तो खाएगी नहीं ना, मीरा भुट्टा नहीं खाओगे ना, अच्छा नहीं है और बहुत महंगा है, मैं तो पापा को दिखाया था। ये किसके लिए आया है, मेरे लिए, एक बाइट तो बनता है बेबी, एक बाइट तो बनता है, ओबियस मैं लूंगी जरूर, मुझे भूख लगी है। भैया टिश्यू पेपर है क्या, हाथ पहुंचने के लिए क्या है, पानी तो, पानी तो हाथ धोने, पानी है, चलो पानी, पापा पानी। मेरा पागल हो गई है, मेरा पागल हो गई है, मेरा भूत आ गए, मेरा भूत आ गए, धुआं हो रहा मुझे, चीनू की जैकेट लेके वेयर करनी पड़ी, बहुत ठंड है। है मम्मी, मतलब वूलन पहन के भी ना इतनी ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा। और अभी बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई बेटे, हम तो पापा मम्मी को लेके हम ज्यादा देर घूम नहीं सकते बाहर। ओके चले होटल, हाँ। मम्मी को तो बहुत ठंड लग रही है मम्मी, मीरा दे दो प्लीज, आप शेयर नहीं कर सकते मेरे साथ। और ये पहुंच गए हम लोग होटल, बताओ मीरा ऊपर चले, ये कहाँ बैठे, अब
डिनर आ गया हम लोगों का। हम लोगों ने मंगाई है आलू गोभी, रोटी, सैलेड, दाल और चिर गई थी मीरा को लेके वॉशरूम। मीरे को जब भी खाना बनेगा ना तो इसको वॉशरूम जरूर जाना होता है। चीनू तो चेंज वेंज करके आ गई, बहुत सही। देखो री, अरे तू सही है यार, चीनू नाइट सूट पहन के आ गई। चलो आ मीरू। शाम में हमने जो लिया था, हमने क्या लिया था यहाँ पे, चाय ली थी, वो अच्छी नहीं थी। बट अभी खाना डिनर बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया खा के। आओ जल्दी। और बस अभी पापा मम्मी मेरा सो गई है, पापा मम्मी रूम में थोड़ी देर रेस्ट, थोड़ी देर क्या मतलब सो ही जाएंगे अब तो, थोड़ी देर क्या, 8:45 हो गए। और हम लोग हो सकता है जाएँ अभी चेंज वेंज करके। चलेगी क्या चीनू ने तो चेंज कर लिया कि हम चाय पीने का मन है। यहाँ होटल की चाय अच्छी नहीं थी, खाना बहुत अच्छा था, तो चाय अभी हम बाहर भी गए थे, बाहर चाय बहुत टेस्टी थी, मस्त। चले कपड़े तरों के पहन लिया। हाँ माँ, अब आपका सोने का टाइम हो गया है ना, ऐसा मन कर रहा रजाई में घुस के सो जाओ। हाँ। है ना, बहुत ठंड है। ये रहे रेस्टोरेंट वगैरह, तो यहाँ सामने भी कितने सारे हैं मम्मी रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, बट खाना अच्छा था। वो तो पापा नीचे जा रहे, पापा के पास है रूम की तो वो आ गए सुपरमैन। पापा इनके तो गेट भी गिल्ले हैं भी। कैसे हाँ, इसमें से आ रहा बुढ़न से, इसमें पुलिस हो रही है। नहीं लगा दो जी, सबसे पहले होगा मेकअप रिमूव, स्किन केयर और शावर लेंगी, अपना नाइट ड्रेस पहनूंगी, अपने पीजे, और उसके बाद अगर चाय पीने जाना होगा तो चाय पीने जाएंगे। ये तो गिर गई बिस्तर में आते। चुड़ैल चुड़ैल ड्रामे करेगी, ड्रामे 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 बात तो जरूर, तो सही बोल ले, सही बोल ले, तो ड्रामे बात सही बोल ले तुझे। इधर व्यू कैसा आ रहा, बड़ी सुबह में भाई साहब गदर, अंधेरा अंधेरा अंधेरा। तो मैंने शावर ले लिया, अपना स्किन केयर कर लिया, चीनू सो गई है, यहाँ सोएंगे मैं और चीनू, मीरू भी सो गया है, और उधर पूजा और मम्मी पापा भी सो गए। तो मैं भी जा रही हूँ सोने, क्योंकि कल जल्दी उठेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। कल सबसे पहले हम लोग सोच रहे हैं कि सुकन्या माता के मंदिर चले जाएं। आज हम लोग जाने का प्लान कर रहे थे पर बहुत भीड़ थी आज सैटरडे की वजह से, मे बी कल भी रहे, बट हम लोगों ने प्लान किया है कि सुबह अगर जल्दी चले जाएंगे तो मे बी कि अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, और भी देखते हैं कि क्या क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं हो पाता पापा मम्मी के साथ, क्योंकि वो धीरे धीरे ही चल पाते हैं, धीरे धीरे ही सारे काम होते हैं, तो कल क्या क्या होगा वो अभी नहीं पता, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना हो सकता है उतना धनुल्टी को एक्सप्लोर कर ले। अभी मैं जा रही हूँ सोने, आपसे मैं मिलती हूँ कल, टिल देन बाय, गुड नाइट।